दिलीप जी, दिलीप जी, जी बैठिए। मैं माननीय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप क्या होती पूरी बात है, ये लोक महत्व का विषय है। बैठिए ना, सरकार गंभीर है, सरकार संवेदनशील है। मेरी पूरी बात है, ये बात मैं सदन के सभी सदस्यों को सभी स्थिति किए गए काम से अवगत कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे आप ध्यान आकर्षण का उत्तर सुनिए ना, आप ध्यान आकर्षण का उत्तर सुनिए। आप गंभीर मामला है सुबोध जी, गंभीर मामला है, आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, ये गंभीर विषय है महोदय। आप पढ़िए कि बहुत महत्व, आप पूरी बात सुनिए, बैठिए सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। पूरक पूछिएगा, आपका भी महोदय, आप पूछिएगा, आप पूछिएगा, सुनिए। भारत सरकार के मंत्री समूह द्वारा जो गाइडलाइन का उत्तर सुनने के बाद आप लोगों को भी पर भी मुझे पूछ रहा मौका देंगे। JEES के क्लिनिकल मैनेजमेंट के तहत 66/SOP 2018 बैठिएगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा, पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। वर्ष की भारत SOP के आधार पर AEA 12 जिलों के 222 स्वास्थ्य केंद्रों पर, के बाद आप बोलिएगा, ऐसी सभी अनुमंडलीय अस्पताल मंत्री सरकार अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रथम नहीं सुनना है, 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 तक किया गया, जिसकी समीक्षा प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा 23/5/2019 को दी गई, तत्पश्चात संपुष्टि हेतु पूरा बैठिए, आप पहले बोलने दीजिए ना, उसके बाद प्रेमचंद जी मेरी पूरी बात को सुन लीजिए, ये विधान परिषद है, सुन लीजिए प्रेमचंद मिश्रा जी, लावे भी है उस प्रेमचंद मिश्रा जी, अतिरिक्त भी है, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए भी है, पूरा सुनिए आप, कृपया आप कृपया प्रश्न करता है, इसके अलावा भी विषय है, आप सुन तो लीजिए, उसके अलावा भी है, उसके अलावा भी है महोदय, बैठिए ना, तत्पश्चात संपुष्ट बैठाइए, सुनिए। चक्र गैप असेसमेंट 25 से 28 मई 2019 को किया गया, जिसकी समीक्षा पुनः प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30/5/19 को की गई, समीक्षोपरांत पाया गया कि सभी तैयारियां पूर्ण हैं। इस प्रकार JEES नियंत्रणार्थ आवश्यक अनुशंसित दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता बीमारी के प्रकोप से पहले कर दी गई है। राज्य के चिन्हित 29 जिलों के 445 MBBS चिकित्सकों एवं 472 आयुष चिकित्सकों को AES के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया जा चुका है। सभी सरकारी अस्पतालों में इस रोग के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग विभाग एवं जिला अस्पताल में अलग से ICU एवं AES वार्ड की स्थापना की गई है।